रुद्रप्रयाग के सरोबगढ़ में देर रात हुई तेज बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो गया है, जिसे प्रशासन और पुलिस की निगरानी में कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। आपको बता दें कि सरोबगढ़ में बार बार भूस्खलन से मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं मामले को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि जिला प्रशासन सरोबगढ़ मार्ग को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए जेसीबी मशीनों और मजदूरों को तैनात किया गया है। वहीं पुलिस की निगरानी में वाहनों को निकाला जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। देखिए, सरोबगढ़ जो एरिया है वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है जब से मानसून शुरू हुआ है, और उसको रास्ते को सुचारू करने के लिए दिन रात वहाँ पे मशीन्स और लेबर की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जो अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है बाईपास, जिसमें हाईवे भी है, ब्रिजेस का भी निर्माण है, उसमें गति और प्रदान करने के लिए एक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया।